ये वीडियो उन मैकेनिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिन्होंने अभी नया नया काम मिक्सर का स्टार्ट करा है, अभी ज़्यादा मालूमात नहीं है मिक्सर के बारे में, कौन सा स्पेयर पार्ट्स ले, मार्केट से लाते हैं तो लोग इधर उधर के स्पेयर पार्ट्स दे देते हैं जो स्टॉक में लगे होते हैं, तो काफ़ी पैसा वेस्ट हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्लियर समझ जाएंगे कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स आपको लेने चाहिए मिक्सी का काम स्टार्ट करने के लिए और उनका प्राइस क्या होता है होलसेल में, ताकि आपको कोई गलत प्राइस पे सामान ना बेच सके। तो चले बिना देरी करे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको सारे होलसेल प्राइस और मिक्सर के लगने वाले रेगुलर स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताता हूँ और दिखाता हूँ कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स लेने ज़रूरी है इसमें से, और लेना ही चाहिए, वो तो लेना ही पड़ेगा अगर आप मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर का काम करते हैं। ये स्पेयर पार्ट्स सारे आप पहचानते होंगे लेकिन इनका प्राइस आपको नहीं पता होगा और इनका शायद नाम ना पता हो क्लियर क्या नाम है इनका, तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये हैंडल दिखाता हूँ, ये वाला हैंडल आप ज़रूर रखें, ये हैंडल आपको मार्केट में 7 रुपये का मिल जाएगा। जगहों के हैंडल टूट जाते हैं उस टाइम ये आप 25 से 30 रुपये का आसानी से चेंज कर सकते हैं। यह फिलिप्स की कपलिंग है, ये कपलिंग आपको मार्केट में 4 रुपये की मिल जाएगी। ये फिलिप्स में हैवी कपलिंग है, इसका नट बड़ा होता है, इसका नट छोटा होता है, दोनों सेम कपलिंग है। ये वाली आपको 8 रुपये की होलसेल में मिलेगी, ये वाली 4 रुपये की होलसेल में मिलेगी। ये नॉर्मल 4 पर की कपलिंग है, ये आपको 2 रुपये 80 पैसे की मिल जाती है होलसेल मार्केट में अगर लेते हैं आप। ये 4 पर की हैवी कपलिंग है, इसमें बहुत सारी क्वालिटी आती है लेकिन ये जो क्वालिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्वालिटी आपको 10 रुपये की होलसेल मार्केट में मिल जाएगी और आप इस क्वालिटी को आराम से 50 से 60 रुपये की कस्टमर को लगा सकते हैं, बहुत ही हेवी क्वालिटी है। 4 पर की नॉर्मल कपलिंग है, ये 3 रुपये की आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएगी और आप इसे 20 से 25 रुपये की कस्टमर को लगा सकते हैं। ये नॉर्मल जो कपलर के ऊपर कपलिंग लगती है 6 पर की, वो वाली है 3 पैसे जो टाइट करते हैं, इस कपलिंग को आप कस्टमर को आराम से 25 से 30 रुपये की लगा सकते हैं। ये कपलिंग शायद मेरी 2.5 रुपये की आई हुई है, 3 रुपये की 2.5 रुपये की आपको ये कपलिंग मिल जाती है और आसानी से 25 से 30 रुपये की आप इसे लगा सकते हैं। इसी की बेस्ट क्वालिटी ये एल्युमिनियम में आती है, हैवी में हो गई है, कटती नहीं है जल्दी। अगर आप ये वाली कपलिंग लगाते हैं तो इसके आप 60 से 70 रुपए की कस्टमर को लगा सकते हैं, 100 रुपए की भी लगा सकते हैं ये कपलिंग, वो खुशी खुशी कस्टमर लगवा लेता है। और ये कपलिंग आपको होलसेल में 10 रुपए की मिल जाएगी। इन कपलिंगों के प्राइस अप डाउन होते रहते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होता, 1 या 2 रुपए अप डाउन होते हैं, लेकिन आप किसी ऐसी शॉप पर जाते हैं जो कुछ ज़्यादा ही आपको क्वालिटी दिखा रहे हैं तो यही कपलिंग आपको 25 से 30 रुपये की दे देते हैं होलसेल में और आप समझ नहीं पाते हैं। नॉर्मल इसका बेस जो होता है नॉर्मल क्वालिटी है, 10 रुपये की तो मिल ही जाती है आपको। 4 पर की पुश वाली कपलिंग है, इसमें 2 कपलिंग आती है, एक नॉर्मल कपलिंग आती है उसमें ये पत्ती नहीं होती है। अगर आप वो कपलिंग लेते हैं तो आपको वो कपलिंग मिलती है 2.5 रुपये की और ये वाली कपलिंग आपको 9 रुपये की मिलेगी होलसेल मार्केट में। ये आप 40 से 50 रुपये की कस्टमर को लगा सकते हैं, ये मिक्सर में लगती है, जार में नहीं लगती है। ये ढक्कन आप ज़रूर रखें, इसमें कई साइज़ आते हैं, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्मॉल साइज़ ही दिखा रहा हूँ। ये ढक्कन आपको मार्केट में 8 रुपये का मिल जाएगा, स्मॉल साइज़ का ढक्कन है, बेस्ट क्वालिटी है, एकदम फिनिशिंग भी एकदम मस्त है और आप कस्टमर को ये ढक्कन 25 से 30 रुपये का लगा सकते हैं। ये नट आप ज़रूर रखें, ब्लेड के ऊपर का नट है, अगर आप ये लूज़ में लेंगे तो 2 से 2.5 रुपये का मिलेगा, लेकिन अगर आप 100 पीस का पैकिंग लेते हैं इसका होलसेल में तो ये आपको 80 से 90 रुपये का 100 पीस का पैकेट मिल जाता है। ये देखिए मैं पूरा पैकेट लाया था। मैं इस कपलिंग के बारे में बता देता हूँ, ये सुमित की ओल्ड मॉडल कपलिंग है, कस्टमर को 80 से 100 रुपए की लगा सकते हैं, इंपोर्टेड कपलिंग है, बहुत ही कम यूज़ होती है और कम लगती है और ये आपको होलसेल में 16 से 17 रुपए की मिल जाएगी। और ये सुजाता की नॉर्मल कपलिंग है, आप देख सकते हैं ये आपको होलसेल में 13 रुपये की मिलेगी, कस्टमर को आप 40 से 50 रुपये की लगा सकते हैं। इसमें 2 कपलिंग आती है, बारीक और मोटी चूड़ी की, ये आप ध्यान रखें और आप दोनों 10-10 या 5-5 स्टार्टिंग में ज़रूर लें। आप बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आगे के स्पेयर पार्ट्स नहीं दिखाए, कल मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा जिसमें आगे के स्पेयर पार्ट्स आपको दिखाऊँगा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिरोज़ इलेक्ट्रिकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।